अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम डॉक्टर रंजीता एंड यू ऑल आर वेलकम टू द मेक्सा क्लासेस. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में. तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है. सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो. आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल बन चुका है. किस तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जुड़ी हुई है और उसके साथ जुड़ी हुई हैं उसकी फूड हैबिट्स, बीमारियाँ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. एक कंट्री में कुछ चेंज आएगा तो आपको दूसरे कंट्री में भी वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो हमने अब तक के चैप्टर में बात कर लिया है सिल्क रूट के बारे में, फूड ट्रैवल, किस तरीके से बीमारियाँ फैलती हैं ये हमने बात किया, स्लेव ट्रेड के बारे में बात किया, हमने बात किया कि 19th सेंचुरी का इंडिया कैसा था, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अफ्रीका में क्या चल रहा था हमने बात किया, राइडर पैस डिजीज़ के बारे में हमने बात किया जो कि अफ्रीका में फैली थी, लेबर माइग्रेशन होता है इंडिया से हमने उसके बारे में बात किया. हमने देखा कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लेबर ही नहीं, हमारे इंडस्ट्रियल जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं. इंडिया का ट्रेड जो है हमने उसके बारे में बात किया. हमने देखा इंटर वॉर इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे से कैसे इफेक्ट होती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने बात की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने बात की, रिकवरी कैसे होती है ये देखा हमने, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात किया, फिर हमने बात किया इंडिया और ग्रेट डिप्रेशन के बीच में इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन में. हमने उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जो है इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे थे हमने उसके बारे में भी देखा. इंडिया जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था. पोस्ट वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या है ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है जो कि लेटर ऑन हम देखेंगे कि ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन क्या है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. तो उसके बारे में उसकी शुरुआत किस तरीके से होती है. तो मेन एम क्या था, वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ज़्यादा डिवास्टेशन देखा गया वर्ल्ड के इतने सारे कंट्रीज़ में, बाकी के कंट्रीज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अफ्रीका, वो सारे किसी ना किसी सुपर पावर की कॉलोनीज हैं. तो सारा का सारा वर्ल्ड अफेक्टेड है. तो मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या था, वो प्रिजर्व करना चाहते थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते थे एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड. वो चाहते थे कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, लोगों को रोजगार मिले. तो ये इसका पर्पज़ था, ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए गए थे. सो दिस कुड बी इंश्योर्ड. कैसे हो सकता था ये, तो जो ये इकोनॉमी रिकवरी और ये सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये सब कैसे हो सकता था, ये हो सकता था जब गवर्नमेंट इंटरवीन करे. सो दिस वॉज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में जो है वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने को ही है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर जो है ब्रिटन वुड्स, एट ब्रिटन वुड्स में वहाँ पर यह आइडिया जनरेट होता है. तो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, IMF को बनाया जाता है और वर्ल्ड बैंक को बनाया जाता है. सो IMF क्या करेगा, IMF डील करेगा विद द एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन. और वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन. जो पोस्ट वॉर में जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो वर्ल्ड बैंक क्या है उसे फाइनेंस करेगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए. IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब ये जो कंट्रीज है टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर. जो उसके मेंबर्स हैं उनको जो सोवरेन डेट, जो उनको क्राइसिस हो रहा है, जो उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है उसको ठीक करने के लिए. सो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब एज ब्रेटन वुड्स सिस्टम. सो IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रेफर टू एज ब्रेटन वुड्स ट्विंस. तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो कमेंसेस फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 से शुरू करते हैं जब हमारा भारत आज़ाद होता है, उस टाइम से ये अपना पूरा फुल फ्लेड फंक्शन शुरू कर देते हैं. सो US हैज़ द इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन. सो US को जो है स्पेशल राइट है IMF और वर्ल्ड बैंक के डिसीजन पर. इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम जो है इज़ द सिस्टम ऑफ लिंकिंग इंटरनेशनल करेंसीज एंड मॉनिटरी सिस्टम. सो जो ब्रिटन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो उसके ऊपर बेस्ड हैं ये दोनों इंस्टीट्यूशन. ठीक है, कैसे ये काम करते हैं ये हम इकोनॉमिक्स वाले जब हम NCERT को पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको इस पे फोकस करूँगी. अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. तो वो वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की गई थी. एक्सचेंज रेट क्या होता है, द लिंक दे लिंक नेशनल करेंसीज फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी
हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो है क्या चलता है। तो ब्रेटन वुड सिस्टम जो है लेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ये वो वाला पीरियड है जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद पोस्ट रिकवरी वाले फेज में क्या हम देखने को मिलेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर इंडिया का रोल भी आएगा। इंडिया जो है ये भी अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त करेगा, और इंडिया के साथ साथ सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे जो कि कॉलोनियल पावर से अपने आप को फ्री कराते हैं और कॉलोनियल पावर एंड हो जाते हैं, राइट। तो ये वो वाला फेज था जिसमें हम कॉलोनियल पावर को एंड करेंगे। उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ G77 ग्रुप देखा जाएगा, बाद वाले फेज में हम देखेंगे G77 का फॉर्मेशन भी देखेंगे। G77 के क्या डिमांड थे, रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, फेयरर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, UN के सारे इंस्टीट्यूशंस, G20 क्या है, G7 क्या है, G77 क्या है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स सेपरेटली इन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ऑल्सो, ठीक है। तो ये वो वाला टाइम पीरियड था जिसमें बाकी के सारे जो कंट्रीज थे, जैसा मैंने बताया, वो कॉलोनियल पावर से फ्री हो रहे थे। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, डेवलपिंग कंट्रीज को टर्न इनटू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए आती थी, बट मिड 1970s में आप देखेंगे दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। दिस लेड टू द पीरियोडिक डेट क्राइसिस एंड लोअर इनकम एंड इंक्रीज पॉवर्टी, स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज जो है ना, वो बोरो कर रही हैं यूरोपियन कंट्रीज से या वेस्टर्न कंट्रीज से, तो जो है आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लो इनकम और डेट क्राइसिस के अंदर भी वो कंट्रीज जा रही हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। सो वेजेस जो हैं उन कंट्रीज़ के अंदर रिलेटिवली लो हैं, लाइक चाइना, दे बिकम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, दे रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्योंकि लो वेज वर्कर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इन द लास्ट टू डिकेड्स कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील हैव अंडरगॉन रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस हैज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि किस तरीके से वर्ल्ड जो है, जिसने कि अगर हमने कब से शुरुआत किया, हमने शुरुआत किया था 16th-17th century से, जिस तरीके से सारे जो देश हैं वो एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं, फूड ट्रैवल करता है, साथ में डिजीज़ ट्रैवल करते हैं, कॉलोनियलिज्म देखने को मिलेगा ट्रेड की वजह से, कॉलोनी बनाई जाती हैं, जो थोड़े प्रॉस्परस कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी बनाने की वजह से किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन आपने देखा, वर्ल्ड वॉर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट और अब का प्रेजेंट वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में हमने इस चैप्टर के अंदर बात किया है, लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात की है हमने उन चीज़ों के टॉपिक को ही लिया, जो हेडलाइंस और जो टॉपिक्स और जो फैक्ट्स हैं वो सारे वही के वही लिए गए जो हमारी NCERT का पार्ट है, क्योंकि हम ये NCERT सीरीज पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो में नहीं चले हैं ये लेक्चर्स, उसका कारण यही है कि हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोड में उठाया है, क्योंकि इम्पॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हुआ होगा एंड काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।